वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीवन। मैं आप सब से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने कई दिनों से वीडियो आपके साथ शेयर नहीं किया, लेकिन इसके बाद मैं वीडियो अपलोड करूंगा, करने में देरी नहीं करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस शख्सियत के बारे में वीडियो लाया हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इम्तियाज़ जलील के करियर के बारे में। इम्तियाज़ जलील का पूरा नाम सैयद इम्तियाज़ जलील है और उन्हें सब इम्तियाज़ जलील के नाम से जानते हैं। इम्तियाज़ जलील का जन्म 10 अगस्त 1968 को औरंगाबाद में हुआ। आज की डेट के हिसाब से उनकी उम्र 53 साल है। इम्तियाज़ जलील की नेशनलिटी इंडियन है और रिलीजन से वो मुस्लिम है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं इम्तियाज़ जलील के एजुकेशन के बारे में। इम्तियाज़ जलील का हाई स्कूल की तालीम हॉली क्रॉस इंग्लिश मीडियम स्कूल से हासिल की। इम्तियाज़ जलील ने आगे चलकर एमकॉम एमबीए की डिग्री हासिल की। इम्तियाज़ जलील 1996 में मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और 2000 में मास्टर कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट की डिग्री डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हासिल की। इम्तियाज़ जलील को शुरुआती दौर से ही डेबिट करने का काफ़ी शौक था। इम्तियाज़ जलील ने अपनी खिदमात NDTV में दी और वो NDTV में एक एंकर के हैसियत से 12 साल तक काम किए हैं और लोकमत में 11 साल तक अपनी खिदमात अंजाम दी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इम्तियाज़ जलील के पॉलिटिक्स करियर के बारे में। इम्तियाज़ जलील ने 2014 में पॉलिटिक्स में आए, उसके बाद वो पहली बार AIMIM की तरफ से इलेक्शन लड़े और उसमें पहली ही बार जीत हासिल की और 2014 में इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद के MLA बने और 2019 को MP इलेक्शन था। MP इलेक्शन सिर्फ 28 दिन बाकी थे। एक अचानक AIMIM के पार्टी के प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने इम्तियाज़ जलील को इलेक्शन लड़ने के लिए कहा और उन्हें MIM पार्टी की तरफ से MP कैंडिडेट चुना गया औरंगाबाद सीट के लिए। और सिर्फ 28 दिन बाकी थे, इम्तियाज़ जलील ने अपनी पूरी जोर ताकत और लगा दी और औरंगाबाद के MP बन गए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इम्तियाज़ जलील की फैमिली स्टेटस के बारे में। इम्तियाज़ जलील की 1993 में रोमी फातिमा से उनकी शादी हुई और उन्हें दो लड़के हैं, एक बिलाल जलील और हमजा जलील।